नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी जरूरत को पूरा करने के लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कभी भी कमी रह जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम मेहनत करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से व्यतीत करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने आए हुए मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, अपने जीवन को ऐशो आराम से व्यतीत कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल बहुत ही ज्यादा पूजनीय होता है, क्योंकि पूजा के सभी कार्यों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है, और अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। जी हाँ, अक्षत का होता है अखंडित। और एक बात बताना चाहूँगा आप सभी मित्रों को, तिलक लगाने के बाद हमारे हिंदू धर्म में चावल भी लगाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। चावल का सीधा संबंध चंद्रमा से माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय को अजमा करके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को चावल के टोटके बताऊंगा जिसे आपको करना है, और आप अपने दुर्भाग्य को इस टोटके को करने के बाद सौभाग्य में बदल सकते हैं 100%। यह टोटके 100% काम करेंगे, इसका रिजल्ट कभी भी विफल नहीं जाता। तो टोटके बताने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी टोटके हमेशा आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम प्राचीन टोटके बताते हैं, सरल से सरल उपाय आप सभी मित्रों को सिखाते हैं, ताकि आप भी सुखमय जीवन यापन कर सके, धन वैभव से संपन्न बन सके। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो पैसों की तंगी से परेशान है तो सोमवार के दिन आपको लेना है आधा किलो चावल। आधा किलो आपको फ्रेश चावल लेना है, और ऐसे चावल लेना है जिसमें खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। आधा किलो के आसपास में आपको चावल लेना है, और ये आधा किलो चावल को थोड़ा सा इसमें गंगा जल का छींटे मार देना है। और जैसे हम नॉर्मल भगवान शंकर जी को किसका अभिषेक करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं, गंगा जल और दूध का अभिषेक करते हैं, आपको करना क्या है, चावल का अभिषेक करना है। जी हाँ, भगवान को संकल्प करते हुए थोड़ा सा जल ले लेना, भगवान शंकर जी को संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपको चावल का अभिषेक कर रहा हूँ, और आपको जो आधा किलो चावल है तीन बार आपको अपने दोनों हाथों में ले लेना है, और भगवान शंकर जी को अभिषेक करना है, यानी कि चावल चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। तो तीन बार में आधा किलो चावल को आपको चढ़ाना है, और एक अखंडित रहना चाहिए, इसमें खंडित नहीं होना चाहिए, चावल जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए चावल है, चावल चढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे दूसरा दिन आपको करना है क्या, उस चावल को अपने घर के अनाज में डाल देना, अपने घर की जो भी आपके अनाज हैं या जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये चावल को डाल देना है, और जो बचे रहेंगे चावल इसे आप जो है गरीबों में दान कर सकते हैं, या जो है ब्राह्मण, किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो शंकर जी महाराज हैं जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं चावल अभिषेक से, और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी चीज की मनोकामना के लिए आपने चावल चढ़ाए हैं, वह 100% वह मनोकामना भगवान शंकर जी पूर्ण करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति यह उपाय अभी तक आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को वही तांत्रिक उपाय बताते हैं, वही सरल उपाय बताते हैं जिसका असर तुरंत मिले, तुरंत इसका असर मिलेंगे 100%। अभी तो कहा जाए सावन आने वाले, सावन के महीना में इसका अभिषेक करना है, और किसी को बताना नहीं, यह बात गुप्त रखना है। इसके बाद दूसरे आपको करना क्या है, ये तो फर्स्ट होगा ये चावल के अभिषेक। दूसरे आपको करना क्या है, सोमवार के दिन, ये पहले सोमवार के दिन आपको चावल का अभिषेक करना है, दूसरे सोमवार के दिन आपको भगवान शंकर जी को दूध का अभिषेक करना है। जी हाँ, दूध का अभिषेक करना है, और जितने भी ये दूध बचेंगे तो इसके दूध को आपको इसे जल में विसर्जित नहीं करना है। जी हाँ, इसे जल में विसर्जित नहीं करना है, जो बचा हुआ दूध लाएंगे भगवान को अभिषेक करने के बाद, इसका पूरे छींटे अपने घर पे दिखाना है। तो घर में छींटे माने तो घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, गलत सोच लोगों में आता है, नकारात्मक ऊर्जा के कारण पैसा घर में नहीं आ पा रहे, लक्ष्मी स्थायी रूप से रह नहीं रहे, तो स्थायी रूप से लक्ष्मी रहना शुरू कर देंगे, आपके घर धन वैभव से संपन्न बन जाएंगे। जब भी आप टोटके करते हैं तो इसे गुप्त रखा करें, अगर टोटके को बताते हैं तो इसका रिजल्ट समाप्त हो जाते हैं, इसका प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ये दोनों टोटके को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।